नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएम राइज विद्यालय सेवड़ा विकास खंड मुख्यालय पर न बनाए जाने के संबंध में आज सेवड़ा नगर के सैकड़ों नागरिक, समाज सेवी और कई पार्टियों के प्रतिनिधि तहसील कार्यालय पर पहुंचे और सेवड़ा एसडीएम अनुराग ने के बाल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाने के लिए सीएम राइज विद्यालय की प्रदेश में सभी जगह स्थापना की जा रही है, जिसमें पहले चरण में विकासखंड मुख्यालय पर 1 सेंटीमीटर राइज विद्यालय प्रस्तावित है। सेवा में पूर्व में शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय का चयन किया गया, पर कुछ जिले के शिक्षा अधिकारी द्वारा विकासखंड मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर बढ़ाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है, जो अनुचित है। संपूर्ण प्रदेश के 313 विकासखंडों में दतिया जिले का सोडा विकासखंड एक ऐसा विकासखंड होगा जिसका सीएम राइज आवासीय विद्यालय विकासखंड मुख्यालय पर नहीं होगा। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के चलते शासन प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए हैं, जिसके मुताबिक एक स्थान पर भीड़ जमा करके किसी भी तरह के होली मिलन आदि कार्यक्रमों पर सख्त रोक लगाई गई है। किंतु इसके बावजूद लांची स्थित गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के कुछ मनचले लड़कों ने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रिंसिपल के नाम पर कॉलेज परिसर में होली मिलन कार्यक्रम आयोजन की सूचना वायरल कर दी। फिर क्या था, जिन्हें भी मैसेज मिला वो कॉलेज पहुंचे और डीजे की धुन पर रंग गुलाल उड़ाते हुए खूब डांस और मौज मस्ती की, जिसके वीडियो दिखा रहे हैं। कॉलेज परिसर में सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस संबंध में जब हमने कॉलेज प्रिंसिपल आरआर सोनवाने से फोन पर बात की तो उन्होंने पहले तो कॉलेज परिसर में किसी तरह के होली मिलन कार्यक्रम होने से इनकार किया, और जब उनको वीडियो के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि बच्चों को समझा बुझाकर कॉलेज से भगा दिया था। अंडीर तहसील के हंसापुर बांध के पुल पर बोलर वाहन ने ओमनी वाहन ने मारी टक्कर, 7 गंभीर घायल। टक्कर इतनी भीषण थी कि ओमनी वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, देखने वालों के रोंगटे हो गए खड़े। वहीं आसपास के निकल रहे लोगों की भीड़ होने लगी जमा। कुछ लोगों के द्वारा डायल 100 को दी गई सूचना, डायल 100 और 108 तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को वाहन से बाहर निकलवाकर पहुंचाया अस्पताल, जहां से जिला अस्पताल हुए रेफर। अभी कुछ ही देर पहले का हादसा बताया जा रहा है। संवाददाता जितेंद्र सिंह कौरव की रिपोर्ट। खबर डबरा से है। अज्ञात युवक की चलती मोटरसाइकिल में लगी भीषण आग। मोटरसाइकिल सवार गाड़ी पर रखकर ले जा रहा था ज्वलनशील पदार्थ। चलती बाइक पर ज्वलनशील पदार्थ के कारण लगे भीषण आग। सिंध नदी के पास बमरोली मंदिर के सामने बड़ा हादसा हुआ। धू कर चलती रही बाइक, युवक में भी आग लगी। आग लगने से युवक की घटना स्थल पर दर्दनाक मौत हुई। जलता हुआ युवक 20 फुट नीचे नाली में जा गिरा। डबरा सिटी थाना क्षेत्र के NH 44 सिंध नदी के पास का है मामला। डबरा सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात युवक की शिनाख्त के प्रयास में लगी है। डबरा से संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। दतिया से मिल रही है। दतिया जिले के जुझारपुरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते अज्ञात युवक ने दिनेश कुशवाहा को कुएं में फेंका। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने पहुंचाया जिला अस्पताल, कराया भर्ती। अभी कुछ ही देर पहले दतिया जिले के जुझारपुरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते युवक को कुएं में दिया धक्का और गिरा युवक कुएं में। वहीं आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस को लगाया फोन। बताया गया दिनेश कुशवाहा उम्र 26 वर्षीय पिता आसाराम कुशवाहा कुएं में गिर गया। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस EMT दीपक त्यागी, पायलट टीम दयाल सिंह ढाकर ने घायल युवक को पहुंचाया जिला अस्पताल, भर्ती कराया जहां पर चल रहा है इलाज। जितेंद्र सिंह कौरव, ग्वालियर चंबल संभाग ब्यूरो। हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। कि इतना सुखी भी मत कर कि तुझे ही भूल जाए, इतना सुखी भी मत कर कि तुझे ही भूल जाए, और इतना दुखी भी मत कर कि शिकायत ही करते रहे। वाह! इतना दुखी भी मत कर कि शिकायत ही करते रहे। इसलिए सुख भी हो सारे और याद हो इशारा।